प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। कहा, भारत के 130 करोड़ लोगों के जीवन को बदलने वाले वित्तीय समावेशन का उत्सव है फिनटेक महोत्सव। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज, प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बीकानेर और झुंझुनू विधानसभा चुनाव को लेकर ली पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक। कहा, मतदान के दौरान हरियाणा सीमा को किया जाएगा सील। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष अश्वनी लोहानी पहुंचे जयपुर, रेलवे स्टेशन का दौरा कर कहा, सुविधाओं का किया जा रहा है क्रमबद्ध विकास। और जीआरपी ने की दो बड़ी कार्रवाई, जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला से 38 कछुए और एक अन्य यात्री से 10 लाख रुपए किए बरामद। नमस्कार, दोपहर समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधाकर सोनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय सिंगापुर यात्रा पर पहुंचे। यहां उन्होंने फिनटेक महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल विश्वास का उत्सव है। प्रधानमंत्री ने वित्तीय संस्थानों के लिए ऑनलाइन ग्लोबल फिनटेक मार्केट प्लेस और प्लेटफॉर्म एपिक्स को भी लॉन्च किया। सेम स्पीड एट विच Facebook, Twitter or mobile phones have spread. With the power of fintech and the reach of digital connectivity, we have started a revolution of historic speed and scale. Financial inclusion has become a reality for 1.3 billion Indians. The Indian story shows six great benefits of fintech: access, inclusion, connectivity, ease of living, opportunity and accountability. Our focus should be Sarvodaya, development of all through Antyodaya. That is development of the most marginalized. Fintech will need to be not merely a mechanism but a movement. There is an explosion of fintech innovation and enterprise in India. It has turned India into a leading fintech and startup nation in the world. The future of fintech and industry 4.0 is emerging in India. Our youth are developing apps that are making the dream of paperless, cashless, presenceless and yet safe and secure transactions possible for all. That is the wonder of India's tech, simply the largest set of application programming interface in the world. They are using artificial intelligence, blockchain and machine learning to create solutions for banks, regulators and consumers. And they are also embracing our nation's social missions, from health and education to microcredit and insurance. This enormous talent pool in India benefits from the ecosystem created by initiatives such as Digital India and Startup India, and by supportive policies, incentives and funding programs. It also helps that India had the largest data consumption in the world and the cheapest rates for data and one of the top nations in fintech adoption. So I say this to all the fintech companies and startups: India is your best destination. प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है।
प्रदेश भर में प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दूसरे दिन 17 प्रत्याशियों ने 24 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि अब तक कुल 33 उम्मीदवारों ने 47 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। प्रत्याशियों की ओर से नामांकन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शपथ पत्र आमजन की सूचना के लिए विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बीकानेर में बैठक ली। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एन के गुप्ता, महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था हवा सिंह खुमरिया, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी सुनील दत्त, संभागीय आयुक्त हनुमान साय मीणा, पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर दिनेश एमएन के साथ संभाग के चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। और जैसे आपको सबको मालूम है कि इसका बॉर्डर जो है पंजाब हरियाणा और इधर काफ़ी लंबा बॉर्डर जो लगता है इन जिलों के साथ, वहाँ के लिए भी हमने बात की है, बॉर्डर मीटिंग्स इन्होंने कर ली हैं, किस तरह से बॉर्डर को मैन किया जाएगा, चेक पोस्ट लगाई जाएंगी ताकि दूसरे जो हमारे प्रदेश हरियाणा पंजाब इधर से जो है लोग आकर के किसी तरह की गड़बड़ ना करें। और अब चुनाव चूँकि अब शुरू हो चुका है, नॉमिनेशन का कार्य शुरू हो चुका है, तो जो सर्विलेंस टीम जो है स्टैटिक जो सर्विलेंस टीम है वो भी जो है शुरू हो गई है। झुंझुनू में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आनंद कुमार ने कहा कि चुनाव में संदिग्ध भूमिका वाले लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, वहीं आगामी दिनों में हरियाणा सीमा को भी सील कर दिया जाएगा। कि सभी तैयारियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें वोटर लिस्ट से लेकर के और पोलिंग बूथ के ऊपर किस तरह की हमारी व्यवस्था है, वहाँ पे सब तरह की जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, उसके अलावा चुनाव के लिए जो भी हमें इलेक्शन मटेरियल चाहिए वो सब यहाँ पे उपलब्ध है, और किस तरह से उन्होंने जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग है वो किया हुआ है, मतदान में कोई गड़बड़ी कर सकता है ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ठीक प्रकार से उनके द्वारा काम किया जा रहा है, इन्हीं सब बिंदुओं के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो भी जैसे जो भी मतदान में जितने कर्मी नियुक्त होते हैं, जो पुलिसकर्मी खास तौर पे होते हैं और ऐसे व्यक्ति जिनसे कि हम वाहन इनके उपयोग में लेते हैं, उनको भी मतदान का पूरा हक मिले क्योंकि वो उस दिन ड्यूटी में साथ में रहते हैं मतदान दलों के, उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान का हक उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी हम खास तौर पे चर्चा करेंगे, किस तरह से उनको लाने की व्यवस्था इस बार विशेष रूप से की जा रही है, उसकी क्या व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने की, इस पूरे बॉर्डर को जो है सील करने में क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है, ऑलरेडी यहाँ पे कई जगह पे बॉर्डर चेक पोस्ट लगी हुई है और जो हमारे प्रदेश के हरियाणा इधर लगता है उससे भी हमने बात की है, तो उनकी तरफ से भी चेक पोस्ट वहाँ पे रहेंगी। विधानसभा चुनाव में दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि के माध्यम से मतदान की सुविधा मिलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि इस बार चुनाव में ईवीएम M3 प्रयोग में लाई जाएगी, जिनके नीले बटन के दाहिने ओर वोटिंग बटन पर ब्रेल लिपि में उम्मीदवारों की क्रम संख्या उकेरी हुई है, जिससे दृष्टिहीन मतदाता स्पर्श कर पढ़ लेगा। इसके लिए बटनों पर ब्रेल लिपि के स्टिकर लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर प्रयुक्त होने वाली बैलेट यूनिट में प्रयुक्त होने वाले 51,963 मतपत्र और डाक मतपत्रों का मुद्रण किया जाएगा। ये कार्य प्रदेश की अलवर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की राजकीय मुद्रणालयों में किया जाएगा। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के निदेशक यज्ञ मित्र सिंह देव ने कल इस संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतपत्रों के मुद्रण का यह काम सुरक्षा पहरे में 25 नवंबर तक कर दिया जाएगा। भाजपा से निर्वाचित सांसद हरीश चंद्र मीणा ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वर्तमान संसद में हरीश चंद्र मीणा दौसा सवाईमाधोपुर सदस्य हैं। आज उन्होंने दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट से मुलाकात की और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी आज जयपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने जयपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर DRM जयपुर सौम्या माथुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बोर्ड अध्यक्ष लोहानी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर इस समय स्थानीय सभ्यताओं और संस्कृति को दर्शाया जा रहा है, साथ ही सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। सुविधाओं में इजाफा कर रहे हैं, वहाँ पे लोकल जो आर्ट एंड कल्चर है उसको प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं,
सफाई के लेवल में बहुत आपको तो मालूम है NWR के स्टेशन नंबर वन नंबर टू के लेवल पे रहे हैं सफाई में, पूरे हिंदुस्तान में स्टेशनों की सफाई में काफ़ी इजाफा हुआ है। ये अभी फेज़ वन है जी। फेज़ टू में हम लोग स्टेशन का लार्ज स्केल में डेवलपमेंट करेंगे कि स्टेशन पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स, वो सब आए, तो उसकी योजना भी चल रही है हमारी। स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उस पर काम कर रही है, उस पर भी आगे बढ़ा जाए। वो एक डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक हम लोग कर रहे हैं, अभी तक हम लोग के पास डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक नहीं है। और भारतीय रेल में नए तरह का रोलिंग स्टॉक आता रहता है रेगुलरली, उसको टेस्टिंग करने की आवश्यकता होती है। तो अभी तो हम लोग एग्जिस्टिंग जो हमारी लाइन्स हैं किसी लाइन को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, बड़े टेस्ट ट्रैक बन जाने से काफ़ी सुविधा होगी। जीआरपी ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए आज आश्रम एक्सप्रेस से एक महिला को गिरफ्तार किया है। तलाशी में महिला के पास से 38 कछुए बरामद किए गए हैं। इन सभी कछुओं की स्थिति दयनीय है। महिला ने बताया कि वह इन्हें गुजरात अपने भाई के इलाज के लिए ले जा रही थी। ये कछुए वह जोधपुर से लाई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान हमने एक महिला की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर एक महिला की तलाशी ली गई, तो उसके पास जो सामान मिला उसमें दो गठरी मिली, उसमें 38 जिंदा कछुए मिले हैं। क्योंकि ये वन्य जीव है इसलिए हमने वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया है और इसमें आगे जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और इससे पहले एक अन्य कार्रवाई में जयपुर जीआरपी ने एक यात्री से 10 लाख रुपए बरामद किए हैं। थानाधिकारी संपत राज ने बताया कि बाड़मेर से आए एक संदिग्ध यात्री की तलाशी ली गई, जिसमें यात्री के पास से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये रुपए हवाला के हो सकते हैं। पुलिस ने रुपए जब्त कर जांच शुरू कर दी है। एक प्रत्येक थानों पर निगरानी टीमें गठित की हुई है, उन टीमों द्वारा रात्रि को चेकिंग की जा रही थी। तो बाड़मेर निवासी एक प्रेम सिंह है, उनके कब्जे से निगरानी टीम ने करीब 10 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। उसके बारे में हम ये जांच करें कि ये पैसा किसका है और कहां से आया था। प्रथम दृष्टया यह पैसा हवाला से संबंधित नज़र आ रहा है और इसका उपयोग किस काम के लिए होने जा रहा था, और हमने इस पैसे को 102 CRP में जब्त किया है। आगे जाँच कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किसको जा रहा था, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसमें 500 और 2000 के नोट हैं। देश भर में छठ पर्व के तहत आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसके साथ ही चार दिन से उपवास कर रहे श्रद्धालुओं ने व्रत तोड़ा और घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। जयपुर में कल शाम गलता तीर्थ में श्रद्धालुओं ने अस्त होते सूर्य की पूजा अर्चना कर भोग लगाया। गलता पीठ के अवधेशाचार्य और बिहार समाज संगठन के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि सूर्य पूजा से सुख शांति और समृद्धि आती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। कहा, भारत के 130 करोड़ लोगों के जीवन को बदलने वाले वित्तीय समावेशन का उत्सव है फिनटेक महोत्सव। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज, प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बीकानेर और झुंझुनू विधानसभा चुनाव को लेकर ली पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक। कहा, मतदान के दौरान हरियाणा सीमा को किया जाएगा सील। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष अश्वनी लोहानी पहुंचे जयपुर। रेलवे स्टेशन का दौरा कर कहा, सुविधाओं का किया जा रहा है क्रमबद्ध विकास। और जीआरपी ने की दो बड़ी कार्रवाई। जयपुर रेलवे जंक्शन पर एक महिला से 38 कछुए और एक अन्य यात्री से 10 लाख रुपए किए बरामद। इसके साथ ही समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।